गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक अभी मत कीजिएगा। जब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा तथा शेयर कीजिएगा। आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। SSC ने 2017-18-19 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने केवल एक वीडियो बनाई है फिजिक्स की, इसमें पूरे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 2020 स्पेशल के लिए ये चल रही है सीरीज। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये तो चूंकि नॉर्मल है कि सबको पता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जैसे कि न्यूटन का जो बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। और बल किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु में कोई धक्का या खिंचाव महसूस होता है तो वही बल कहलाता है। यानी कि बल को धक्का या खींचने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और परिमाण और दिशा दोनों होने के कारण यह एक वेक्टर यानी कि सदिश राशि है। इसका प्रतीक यफ है। ठीक, मैं जो है हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी नीचे देता रहूँगा। जैसे अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सबसे कम ऊष्मा परिचालक है, मतलब सबसे कम ऊष्मा किससे जो है जाती है, तो सबसे कम ऊष्मा जो है वो शीशे से जाती है, तो शीशा सबसे कम परिचालक है। क्वेश्चन अगर इसके विस्तार में देखें तो शीशा एक खराब ऊष्मीय चालक है, कांच में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कोई प्रवाह नहीं होता है, इसलिए यह गर्मी का संचालन नहीं करता है, लेकिन यह एक अच्छा अचालक है जो प्रकाशिकी के नियम के बाद बिजली और गर्मी विकिरण द्वारा पार करने देता है। मतलब जब कोई प्रकाश किरण जो है कांच पे पड़ती है तो वह जो है परावर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो पास्कल है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, मैंने इसको जो है घटना चक्र से समाहित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 4 मीटर वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं, मतलब किसी वाहन द्वारा जो दूरी मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, पथ मापी, जो गाड़ी वाड़ी में मीटर लगा रहता है उसे पथ मापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ वाले परावर्तन का आगे .. परावर्तन कहते हैं, तो अगर कोई चिकने पृष्ठ से परावर्तन होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। फिर उसी तरह प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, ओम है। अगला क्वेश्चन कि गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो जो गैलीलियो का गिरता हुआ पिंड था उसे जो है न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। जो न्यूटन ने सेब को गिरता हुआ देखकर न्यूटन का अपना पहला नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि का नहीं मात्रा नहीं है, तो सदिश का मतलब क्या हुआ कि जिसमें दिशा जो है साथ रहती है वो सदिश है। तो जो हमारा बल आघूर्ण है F×D, तो ये तो हमारा जो है सदिश है। विस्थापन भी हमारा सदिश राशि है, आवेग भी हमारा सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है ये हमारी सदिश राशि नहीं है। आगे देखिए, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है कि वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणितीय मात्राओं में 2 श्रेणियां विभाजित किया जाए, मतलब एक तो सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। तो क्या है कि अदिश राशियां वे मात्राएं हैं जो केवल एक परिमाण द्वारा वर्णित होती हैं, जैसे गति हो गई, दूरी हो गई, तो ये सब जो है क्या है, ये सब हमारी अदिश राशियों में आती है। उसी तरह सदिश राशियां वे राशियां हैं जो एक दिशा और परिमाण दोनों को प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि पूर्व गति विस्थापन तो काम ये सब जो है। जैसे विस्थापन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ तक गए तो इसका विस्थापन तो इतना हो गया, लेकिन अगर भी हम यहाँ से जाएं और यहाँ से फिर वापस यहीं चले आएं तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन जो है पहले और आखिरी बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, तो चूंकि गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या हुआ कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होगा, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे न्यूनतम होता है, और ध्रुव रेखा पर जो है जी का मान सबसे मैक्सिमम होता है। आगे देखिए, पृथ्वी का गुरुत्व बल
भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। इसके दो कारण हैं। क्या दो कारण हैं? कि अपकेंद्र बल ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के बल प्रभाव को कम कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है और घूम भी रही है, तो इसी की वजह से जो भूमध्य रेखा पर स्थान है वहाँ पे जी का मान कम रहता है, और वही जो है भूमध्य उभार के कारण ध्रुवों और केंद्र के पास है, इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मजबूत होता है। और यही कारण है कि जो मतलब कि सेंटर बनाए जाते हैं वायुयान, मतलब जो हम अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करते हैं, वो सब जो है ध्रुव, जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके आसपास ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे को अतिरिक्त किनारे पर ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि फिर से सुनिए, वाहनों को सुरक्षित मोड़ लाने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कि जो सड़क जो है घुमावदार रहती है तो उसमें जो है थोड़ा दूरी लेकर के बनाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ढालू सड़क या सड़क की बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। अभी हमने सदिश राशि की परिभाषा दी, तो विद्युत धारा जो है ये सदिश राशि नहीं है, चूँकि इसमें जो है दिशा तो है विद्युत धारा में, लेकिन फिर भी ये सदिश राशि नहीं है, ये अपवाद में है, इसीलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मरुस्थल में मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है। तो मरुस्थल में जो मृग मरीचिका बनती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। होता क्या है कि जब जो है रेगिस्तान में, चूँकि नीचे गर्म हवाएं रहती हैं और गर्म हवाएं जब रहेंगी तो नीचे की हवा सरल रहेगी और ऊपर ठंडी हवा रहती है इसीलिए विरल, तो जब हम मनुष्य यहाँ खड़ा रहता है तो इसको जो है जब ये देखता है तो इसको ऐसे प्रकाश बार बार परावर्तन होता होते बार बार परावर्तन होते होते एक समय ऐसा आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तो वस्तु को वो वस्तु व्यक्ति को वह वस्तु उल्टी दिखने लगती है, तो वही रेगिस्तान में मृग मरीचिका का कारण है। अगला क्वेश्चन है, अब जैसे देखिए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका का निर्माण होता है। जब आकाश में सूर्य तेज होता है तो सबसे पहले रेत गर्म होती है जैसा कि हमने बताया, फिर ऊपर हवा की परतें गर्म हो जाती हैं। अब उसमें लिखा है पेड़ से निकलने वाली किरणें प्रकाशीय रूप में परत से विरल वायु परत की ओर जाती है और इस प्रकार दूर जब दूर जाके झुक जाती है, तो वही कारण है कि व्यक्ति को क्या जो वस्त्र रहती है वो उल्टा दिखाई देता है। आगे है जब प्रकाश किसी किनारे या दरार से गुजरती है तो क्या होता है, तो जब किसी किनारे या दरार से गुजरेगी तो उसका जो है अपवर्तन हो जाता है, ठीक, तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण कौन सा नहीं है, तो देखिए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंब होते हैं, सही है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। तो जो गलत ऑप्शन है वो क्या है, ए, विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण और विवर्तन नहीं दिखाती, ऐसा गलत है, दोनों चीज दिखाती हैं। फिर अगला है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवृत्ति चूंकि जानते हैं कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हमारा हर्ज है, अब हमने पूरा एसआई मात्रक ले लिया है, जैसे श्यानता का एसआई मात्रक पॉइज होता है, पृष्ठ तनाव का न्यूटन वर्ग मीटर होता है, ऊष्मा का जूल होता है, तापमान का केल्विन होता है, निरपेक्ष तापमान का केल्विन होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, वैद्युत वाहक बल का वोल्ट होता है। उसी तरह अगर हम देखें तो वैद्युत चालकता का ओम प्रति मीटर, वैद्युत ऊर्जा का किलोवाट प्रति घंटा और वैद्युत शक्ति का किलोवाट अथवा वाट, ये जो है हमने सब ले लिया है इकट्ठा। आगे देखिए, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें होता है, तो जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो पश्चदर्शी दर्पण में किया जाता है, मतलब पीछे जो मिरर इमेज जैसे कहते हैं, तो मिरर इमेज देख में जो हम गब्बाई को में लगाते हैं तो उसमें पश्चदर्पी दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आगे देखिए कि सबसे अधिक गति, प्रकाश की गति किसमें होती है, तो प्रकाश की सबसे अधिक गति निर्वात में होती है। आगे देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की चाल माध्यम में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। मतलब ये है कि अगर जो है आप
हर माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग रहती है। यह इस बात की माप है कि कैसे प्रायः प्रकाश गुजरने के दौरान माध्यम में उपस्थित पदार्थों के संपर्क में आने से इसकी गति कम हो जाती है। भाई चूंकि माध्यम में कण मौजूद रहते हैं इसीलिए जो है ये कम और ज़्यादा होते रहते हैं। यदि इसका मान एक है तो इसका अर्थ है कि अवरोध सबसे कम है। निर्वात के लिए अपवर्तन का सूचकांक एक है, इसीलिए प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होती है। ठीक, आगे देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? अभी हमने बताया कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। फिर साबुन के बुलबुले का आविष्कार गोलाकार हो जाता है, मतलब जो साबुन का बुलबुला है उसका आकार गोलाकार क्यों हो जाता है? तो क्योंकि ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण साबुन के गोले का आकार क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है, साबुन के बुलबुले का आकार। फिर आगे देखिए, यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है? मतलब अगर बैक साइड मिरर में अगर कोई वस्तु दिख रही है और वो किस तरह दिख रही है? बड़ी तथा उल्टी दिख रही है। अगर बड़ी तथा उल्टी दिख रही है तो इसका मतलब जान लीजिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अवतल दर्पण का में 5 प्रतिबिंब बनते हैं। जो हमारा प्रकाश का परावर्तन पार्ट 1 है उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में ये विस्तार से बताया गया है। अगला, ऊपर देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो ऐसा जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ठीक, किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अब अपवर्तन क्या है? तो जब कोई वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के कारण ऊपर देखे जाने पर टैंक की कम गहरी दिखाई देती है। प्रकाश पानी में अधिक दूरी तक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन यह पानी में वायु में तिरछा हो जाता है। जैसा कि अभी बताया कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो वह जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो जब लाल और हरा का मिश्रण कर देंगे तो जो है हमें पीला रंग मिलेगा। जो प्राइमरी कलर होते हैं हमारे, जो मेन कलर होता है वह लाल, नीला और हरा होता है। इसी को मिला करके हम अलग अलग रंग बनाते हैं। जैसे लाल और हरा मिला देंगे तो पीला बन जाएगा, लाल और नीला मिला देंगे तो मैग्नेट कलर बन जाएगा, और लाल ब्लू और ग्रीन यानी कि नीला और हरा मिला देंगे तो सियान कलर बन जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो भार, चूँकि हमको पता है कि भार डब्लू बराबर यम जी होता है, और यम जी का मतलब कि अगर जी का मान ज़्यादा रहेगा तो डब्लू का मान ज़्यादा रहेगा। तो यही कारण है कि ध्रुवों पर जो है भार सबसे अधिक होगा। फिर देखिए, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर जो है वो किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे विस्तार देखिए कि इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करती है। इस सिद्धांत पर आधारित है जो किसी विद्युत वाहक चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक यांत्रिक बल का अनुभव करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम द्वारा बताई गई है, जिसका परिमाण निम्न द्वारा दिया गया है। मतलब F बराबर जो होता है वो BI होता है, जहाँ पे B जो है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और I जो है वो हमारा करेंट है, और 1 मीटर में कॉइल की लंबाई है। जो यल है हमारा वो 1 मीटर में कॉइल की लंबाई है। फिर आगे देखिए, प्रकाश तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाश तंतु है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। चूँकि प्रकाश तंतु ऐसे रहेगा तो जब परावर्तन होता रहेगा तो एक स्थिति ऐसी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से ध्वनि या स्वरमान पिच को कौन निर्धारित करता है? तो जो पिच है वो आवृत्ति निर्धारित करती है। पिच का मतलब ये है कि जैसे तरंग दैर्ध्य है तो ऐसे चलती है, तो यही जो है यही पिच है। तो कितनी बड़ी होगी ये चीज़ निर्धारित कौन करेगा? आवृत्ति करेगी। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है, यानी प्रकाश की कण प्रकृति कौन दिखाती है? तो जो परावैद्युत प्रभाव है, परावैद्युत प्रभाव से ही हमको प्रकाश के कण होने की पुष्टि होती है। ठीक, आगे ये जो है हमारा वीडियो जो
पार्ट वन पड़ा हुआ है उसका, क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का, उसका लिंक है, देख लीजिए, इसको जो है आप देख सकते हैं। फिर देखिए, नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो नीला और हरा भी मैंने बताया पूरा विस्तार में कि नीला और हरा को मिला देंगे तो सियान कलर हमको मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है आपकी जो है, जो हमारी इंग्लिश की जो है स्टार्ट होने वाली है क्लास, ये क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो हाई स्कूल के हैं अपने भाई बहन को भी बता दीजिए कि हमारे चैनल से जुड़ जाएं, उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक, तो अगला जो आगे क्वेश्चन है ये आपको हम सेकंड वीडियो में देंगे, तो दो वीडियो में ये पूरी फिजिक्स आपको ख़त्म हो जाएगी, तो इसीलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। ये गारंटी करता हूँ कि अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।